हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, आपका स्वागत है गरम मुद्दा विद हर्षवर्धन के इस शो में। बिहार के समस्तीपुर जिला से एक खबर आ रही है। खबर ये है कि एक परिवार के 6 लोगों ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने खुद को फांसी लगा ली? वजह ये है कि वो अत्यंत गरीब थे, मगर गरीब के साथ उनके साथ एक दोस्त था कि वो जनरल कास्ट से आते थे, वो ब्राह्मण थे, तो इसलिए उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, उन्हें कोई सरकार से मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, कोई सेवा नहीं मिल पा रहा था। गरीबी इतनी बढ़ गई थी जो उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। गरीबी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। घर की स्थिति ऐसी है जो देख के लग सकता है जो यहाँ साधन की ज़रूरत है, यहाँ सरकार की मदद की ज़रूरत है, मगर सरकार मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। हर जगह एक ही मुद्दा क्यों आके रुक जाता है? हर विकास एक ही जगह क्यों रुक के आ जाता है? जाति पे क्यों हर चीज़ रुक के आ जाता है? आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं, फिर आप जाति के नाम पर बांट रहे हैं। आप आरक्षण दे रहे हैं तो जाति के नाम पर बांट रहे हैं। हर चीज जाति के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है? हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जिन्हें जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, जिन्हें आप आरक्षण दे रहे हैं, उन्हें आप ये दिखा रहे हैं कि आप योग्य नहीं हो, और जो योग्य हैं, जिनको जरूरत है, उन्हें बोल रहे हो भैया हम आपको नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आरक्षण ही देना है तो आरक्षण आर्थिक संकट पे क्यों नहीं आ रहा है? आर्थिक स्थिति के हिसाब से क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों इसे जाति के आधार पे लाया जा रहा है इस आरक्षण को? क्यों सरकार इस आरक्षण के निधि को क्यों नहीं बदलती है? क्या इसलिए नहीं बदली जा रही है क्योंकि अगर आर्थिक सुरक्षा पे अगर लाया जाए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर हम आरक्षण लाए, तो फिर सरकार वोट मांगने किस मुद्दे पे जाएगी? क्योंकि सब सक्षम हो जाएंगे, सब पढ़ लिख लेंगे, सबके पास ज्ञान आ जाएगा, सब समझने लगेंगे उनकी बातों को, तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, उन्हें फिर झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के लिए ये आरक्षण बनाया गया है क्या? हम इतने पागल उन्हें दिखते हैं या हम इतने असहाय दिखते हैं उन्हें, जो उन्हें हमारी कष्ट नहीं दिख रही है? यहाँ लोग मर रहे हैं, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि वो उस कोटि में नहीं आते, उस श्रेणी में नहीं आते हैं। श्रेणी के हिसाब से अब भूख तक बढ़ रही है। एक कहानी थी जो एक डीएम के घर के बाहर एक भिखारी आके खड़ा रहता था, वो कांपता था ठंड से, तो उस डीएम ने कहा कि मंत्री से बात कीजिए और इन्हें कम्बल बंटवा दीजिए। कम्बल बंटवाने का आवंटन निकला, पेपर वर्क चालू हो गए, लेकिन देखते थे जो रोज वो भिखारी खड़ा हो जाता था, तो उन्होंने अपने पीए से पूछा क्या कम्बल नहीं बंटवाया गया? उन्होंने बोला सर कम्बल बंटवाया जा रहा है, मगर कैटेगरी वाइज बंटवाया जा रहा है, पहले एससी एसटी को पड़ेगा, फिर ओबीसी को, फिर जनरल को। और जब तक जनरल का बात आया तब तक वो भिखारी मर चुका था। इस कहानी से यही पता चलता है जो हर जाति को बांट दिया गया है, उन्हें अलग अलग रखा जा रहा है, हमारे दिल में उनके लिए एक अलग भावना पैदा कर रहा है, हमारे दिल से एकता खत्म की जा रही है। मैं हर्षवर्धन आप सबों से पूछता हूँ, अपने राय हमारे साथ रखें और अपने विचार रखें और इस सवाल का जवाब दें, क्या मैं गलत हूँ या मेरे सवाल सरकार से गलत है? नमस्कार, अब मैं विदा लेता हूँ आप सबों से।